के जंगलों में प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गुच्छी को दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार किया जाता है। इसको हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मार्कुला एस्क्यूलेंटा है। यह सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर है। ग्रामीण दूर दराज इलाकों में इसे औषधीय रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। गुच्छी 18 से 21 तापमान में उगती है और औसतन 2.7 सेंटीमीटर चौड़ी व 2 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। गुच्छी निम्न ऊंचाई पर सफेद रंग की पाई जाती है, जबकि देवदार एवं अन्य ऊंचाई वाले वन क्षेत्र में इसका रंग डार्क हो जाता है। पहाड़ी ग्रामीण लोगों में मान्यता है कि गुच्छियां बादलों के गर्जन के साथ निकलती हैं। सर्दियां खत्म होते ही गुच्छियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और हिमालय के अन्य ऊंचाई वाले हिस्सों में होती हैं। किन्नौर चौरा के रहने वाले रतन ने बताया कि जंगल में बर्फ पिघलते ही ग्रामीण गुच्छी खोजने में लग जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती है। यह गुच्छी 15,000 से 25,000 रुपए प्रति किलो बिकती है। सर, मेरा नाम रतन नेगी है। मैं जो है किन्नौर चौरा का रहने वाला हूँ। तो हम लोग कंडे में, डोगरी में रहते और वहाँ पे बगीचा है और हम लोग जंगल में गुच्छी ढूंढते और काफ़ी गुच्छी मिलती। और इसमें मार्केट में इसका रेट 15,000 रुपये तक है और बड़े बड़े होटलों में जो है बिकती है, वहाँ सब्जी बनाई जाती है इसकी। और जो ये गुच्छी है जेठ महीने तक निकलती है, तो लोग काफ़ी गांव के लोग ढूंढते हैं और जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला के लोग भी आते हैं। बर्फ निकलने के साथ साथ गुच्छियां निकलती है और आजकल हम लोग गुच्छी का सीजन लगाते हैं, इससे थोड़ा बहुत हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं डॉक्टर आरएस मिन्हास ने बताया कि गुच्छी कई औषधीय गुणों से भरपूर है। पाली हाउस में उगाने के लिए चीन प्रयास कर रहा है। गुच्छी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल व विटामिन काफी मात्रा में पाया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां जो है उनको, उनकी रोकथाम के लिए भी इसका काफ़ी हद तक उपयोगी पाई गई है। पूरे विश्व में ये बहुत महंगी सब्जी के रूप में जानी जाती है। लोग इसका काफ़ी हद तक लुत्फ उठाते हैं, लेकिन एक इलीट सोसाइटी ही इसका अभी तक जो है लुत्फ उठा पाती है। लेकिन इस बार लग रहा है कि इस बार के उत्पादन से काफ़ी हद तक आम आदमी तक भी इसकी पहुँच होने की संभावना है। आपको बता दें कि यह सब्जी दिल के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए इस सब्जी की आज बाजार में बहुत ही ज्यादा मांग है। लेकिन इसकी उत्पत्ति बहुत ही कम होती है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से उगती है।